आज का रिव्यू हमारा कासा ग्रीन सोसाइटी के बारे में है, जो कि आपका सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड है। सोसाइटी की बात करें तो ये तकरीबन 5 एकड़ पे 9 टावर्स हैं, जिसमें कि 844 फ्लैट्स हैं और हर किसी टावर की अलग अलग हाइट है, जिसमें कि सबसे मिनिमम आपका ग्राउंड प्लस 14, कुछ टावर ग्राउंड प्लस 25 और कुछ ग्राउंड प्लस 21 और ग्राउंड प्लस 23 हैं। ये सोसाइटी गौर चौक से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे आती है और सोसाइटी के एक साइड पे 7.5 एकड़ का अथॉरिटी का पार्क है। सोसाइटी का लुक बात करें तो बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है और ये एक रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्ट हो गई हैं और इसमें 3 टावर्स हैं जिनका पोजेशन आपका दिसंबर 2019 में होने वाला है। सोसाइटी के दूसरे साइड पे ला सोलारा अपार्टमेंट्स है, वो आ जाते हैं और सोसाइटी में एंटर करते ही आपका क्लब है और क्लब काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। एंटर करते ही आपकी अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से ये छोटे बच्चों के घूमने के लिए सेफ रहेगा। सोसाइटी में अगर फैसिलिटीज़ बात करें तो तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, हेल्थ क्लब, स्टीम सोना, मेडिटेशन सेंटर, इस टाइप की सारी चीज़ें। सोसाइटी के हर टावर की एंट्री काफ़ी ग्रैंड है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और देख के ये भी लगता है कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। ग्राउंड लेवल पे पार्क है और पार्क से थोड़ा सा आगे जाते ही क्लब है, जो कि थोड़े से एलिवेशन पे है और स्विमिंग पूल भी आपका एलिवेटेड है। इस सोसाइटी में आपको 2 BHK, 2 प्लस स्टडी और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे। सोसाइटी के आसपास के एरिया डेवलप्ड है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद से आसपास के एरिया में फैमिलीज रह रही हैं। कुछ प्रोमिनेंट सोसाइटी जो आसपास में हैं वो है आपका निराला एस्पायर, आपका अजनारा ली गार्डन, आपका सुपरटेक इको विलेज 3 और काफ़ी सारी अदर सोसाइटीज़।